हेलो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि मैं दार्जिलिंग में नहीं हूँ। ये वीडियो जो है बहुत बहुत पुराना वीडियो है, 20 दिन से भी, होली से भी पहले का वीडियो है। तो प्लीज़ आप लोग मत सोचना कि मैं दार्जिलिंग में हूँ। ये रहा सबूत, ये DN कॉलेज का गेट है और DN कॉलेज आपको सिर्फ ईटानगर में ही मिलेगा। मैं बहुत पहले ही अपने रेंट ईटानगर वापस आ गया था और दार्जिलिंग वाले वीडियो को मैं अभी एडिट करके डाल रहा हूँ। एक हफ्ते से तो मैं घर से निकला भी नहीं हूँ और ना ही कहीं निकलूंगा जब तक सिचुएशन काबू में नहीं आ जाता। और आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट भी है, कोई भी यूट्यूबर अगर एक वीडियो अपलोड करता है तो प्लीज़ 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 उसके डिस्क्रिप्शन को जाके एक बार देख लीजिए, तब आपको पता चल जाएगा उसका प्रेजेंट सिनेरियो क्या है। क्योंकि मेरे ऐसे ट्रैवल ब्लॉगर्स का यही हाल है, सभी पुरानी वीडियो को अभी एडिट करके डाल रहे हैं और लोग समझ रहे हैं कि अभी वीडियो बना रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत पुराना वीडियो है। तो प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। एक और छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्वारंटाइन का समय चल रहा है जिससे कि घर के सभी मेंबर साथ में रह रहे हैं घर में, तो सभी के घर में रहने के वजह से औरतों का, लड़कियों का काम घर में बढ़ रहा है, चाहे वो आपकी मम्मी हो, बहन हो, दीदी हो, उनका घर का काम बढ़ रहा है। तो इसलिए मैं अपने सभी मेल सब्सक्राइबर से विनती करना चाहूंगा कि प्लीज़ उनको घर के काम में मदद कीजिए। और मुझे पता है आप लोग मदद कर ही रहे होगे, बट मेरे तरफ से एक छोटा सा सजेशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ट्रैफिक में कि मुझे जाना है टिबेटन रिफ्यूजी सेंटर में। तो गाइस, अब मैं आ गया हूँ घूमते घूमते टिबेटन रिफ्यूजी सेंटर में। तो बहुत सुना है इस जगह के बारे में, तो मैं अभी घुसता हूँ और देखता हूँ कि ये क्या है, मतलब अंदर में है क्या एग्जैक्टली। This site of 3.80600 acres is the gift of the American Emergency Committee for the Tibetan Refugees, September 1964. और Tibetan Refugee Center के पीछे से व्यू कुछ ऐसा दिखता है, बहुत ही रिफ्रेशिंग है, जस्ट लाइक आर अरुणाचल। ये बहुत ही प्यारा कुत्ता, इनका आंख भी नहीं दिख रहा। आपकी आंखें कहाँ है, बालों ने ढक दिया। काफी बड़ा है ये टिबेटन रेफ्यूजी सेंटर। ओके, यहाँ पे वीविंग किया जा रहा है, कारपेट बनाया जा रहा है हाथों से। ये कंप्लीट हो रखा है, बस अभी लेवलिंग किया जा रहा है। और मुझे हमेशा लगता था कि कारपेट जो मशीन से बनता है, बट अभी पता चला कि ये हाथों से बनाया जाता है और ये लोग काफ़ी कमाल के काम कर रहे हैं। हाय, आप क्या कर रहे हैं? शायद इन लोगों को हिंदी नहीं आती है, दैट्स व्हाई रिप्लाई नहीं किया, फ्लॉप हो गया मैं। तो ये था कारपेट वीविंग सेक्शन। अब मैं हूँ टूरिस्ट ट्रेन में, ये पूरे टाउन के अंदर से घूमते हुए जाता है और हमें अभी रुकाया है एक स्टेशन पे, पता नहीं स्टेशन का नाम क्या है, और यहाँ से नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है।
चलता है, कोयले से चलता है। ये है वार मेमोरियल। हेलो, हाय हाय। तो दार्जिलिंग का नज़ारा यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है। ओके, तो मैं आया था मेन स्टेशन से। यहाँ पे ट्रेन जो है 10 मिनट के लिए रुकेगी, अभी 5 मिनट ही बचे हैं मेरे पास, तो 5 मिनट में जितना एंजॉय करना है कर लीजिए। आगे और एक स्टेशन है, उसमें 20 मिनट के लिए रुकेगा ट्रेन। जितने भी देश के सिपाही शहीद हुए हैं उनके मेमोरी में ये बनाया गया है, उनके नाम लिखे हैं यहाँ पे। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने हमारे देश को बचाया है। सो प्लीज़ रेस्पेक्ट और इंडियन आर्मी और इंडियन पुलिस और इंडियन CRPF जितने भी हैं सभी को रेस्पेक्ट कीजिएगा। जय हिंद। भैया इस जगह के बारे में थोड़ा बताइए। पतासे लोग बोलते हैं इसको जी, पतासे लोग बोलते हैं। ये लूप एक स्पाइरल जैसा है जी, ये एक स्पाइरल घूमने से 50-60 फीट हाइट गेन करता है ट्रेन जी। ये ब्रिटिश लोग का आइडिया है और ये गोरखा का मेमोरी के लिए बनाया है, जो शहीद हुआ है। जितना भी नाम लिखा है वहाँ पे सब शहीद हुआ, शहीद हुआ है सोल्जर्स लोग। इंडो चाइना वार, इंडो पाकिस्तान वार, उसमें शहीद हुआ जी। अभी ये लोग मतलब एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं ये लोग? कल कमांडर आने वाला है नया, वो कमांडर विजिट करेगा। ओके, भाई साहब मैं देखने जा रहा हूँ दूरबीन। यहाँ से यहाँ पे मैं होना शूटिंग हुआ था 8020। दार्जिलिंग का सबसे पुराना मंदिर कृष्णा मंदिर, और इसके नीचे में जो आपको पुलिस लाइन दार्जिलिंग छत में लिखा है ना, वो ब्लू वाला छत में जी जी, सबसे बड़ा पुलिस लाइन दिल्ली पुलिस लाइन ये है। और इसका हेडक्वार्टर इधर है, काला काला जो घर देखा लंबा सा वाला पुराना वाला जी, सब ब्रिटिश के टाइम में बना हुआ है पुलिस लाइन हेडक्वार्टर जी। और ये वर्धमान राजा का महल है जी, वो व्हाइट हाउस के ऊपर जो ब्लूडो में ना जी, वो वर्धमान राजा का महल है। रॉक गार्डन जाएगा तो इधर से जाना पड़ेगा, गाड़ी भी जा रहे हैं जी, जा रहे हैं गाड़ी बीच में जी। रॉक गार्डन जाने का रास्ता है। और ये चिपचाक रोड देखा ना इधर में जी, वो हैप्पी वैली टी गार्डन है, जो वर्ल्ड में फेमस टी गार्डन है, दार्जिलिंग का सबसे बड़ा टी गार्डन जी। और ये जंगल देखा, बड़ा जंगल जी, वो जू का जंगल है, एनिमल म्यूजियम है। ठीक है जी। ये ऊपर जो पहाड़ देखा, बड़को पहाड़ जी, ये है आपको सिनालतू, नॉर्थ सिक्किम का माउंटेन है, नॉर्थ सिक्किम का माउंटेन 21,000 में है जी। और यहाँ कंचनजंगा तो इधर में देखिए, वो बज रहा है। सबसे ऊपर जो पहाड़ देखा जी, ये है कंचनजंगा है, 28,156 फीट में आता है जी। ये इंडिया का माउंटेन है, इंडिया का सबसे ऊंचा माउंटेन, इंडिया का माउंटेन है माउंट केटू। हाँ जी, ओके हो गया जी, हो गया। जाने को है, मुझे बुला रहा है, अगले स्टेशन पे जाना है। तो ये पैसेंजर्स लोग, मैं भी बैठ जाता हूँ, मेरी सीट है लास्ट वाली। जैसा कि आप देख सकते हो गली के अंदर से ही निकल रहा है और ये टाउन के अंदर से भी होते हुए जाता है, विच मीन्स आपको हाथ इधर उधर नहीं निकलना, नहीं निकालना है। अगर आप हाथ निकालोगे तो आपको आपको एक्सीडेंट हो सकता है, आपको बहुत बहुत जोर से सीवियर सीवियर इंजरी हो सकती है, इसलिए हाथ को बाहर मत निकालना है। ब्रिटिश का बना हुआ है। तो आपने भैया से सुनी लिया कि दार्जिलिंग किस लिए फेमस है। सबसे पहला तो चाय पत्ती के लिए फेमस है। यहाँ पे इंडिया में मैक्सिमम जगहों पे जितने भी चाय पत्ती मिलते हैं उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है या फिर
जो बगान है वो आपको दार्जिलिंग में देखने को मिलेगा। दार्जिलिंग चाय के लिए फेमस है। एंड सेकंड थिंग, टॉय ट्रेन आपको कहीं नहीं मिलेगा, बस दार्जिलिंग में ही मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा ट्रेन। और यहाँ से आपको माउंट केटू यानी कि कंचनजंगा का भी व्यू देखने को मिलता है। और सिक्किम भी यहाँ से पास में है, 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, माउंट केटू देखने को मिलेगा, कंचनजंगा एंड सिक्किम भी यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर ही है। और यहाँ पे महीने में कम से कम लाखों में टूरिस्ट लोग आते हैं। लाइफ में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं ट्रेन के पटरी से टाउन के बीच में चलता हुआ जा रहा हूँ। लोग मुझे घूर रहे हैं, उनको लग रहा हो कि मैं पागल हूँ। चलो, मैं पागल नहीं, यूट्यूबर। मुझे लगी है भूख, अब मैं खाऊँगा वहाँ पे मोमोज। चाउमीन मोमोज खाएंगे, नेपाल में बस जाएंगे। ठीक है, एकदम ठीक है। अच्छा, मोमो मिलेगा क्या? और आप लोग नहीं ना, सॉरी, आई एम सो सॉरी। अच्छा, मोमो मिलेगा क्या? अब मैं खाऊंगा मोमो। ठंड जगह में ट्रेन में मोमो का मज़ा ही कुछ और होता है, स्पेशली दार्जिलिंग जैसी जगह में। तो ज़रूर ट्राई करना है। बहुत टेस्टी। हाय एवरीवन, हाय हाय। ये हवाएं गुनगुनाए, पूछे तू है कहाँ, तू है फूलों में कलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में। बहुत ही बड़ा है और बहुत ही सुंदर है। बाद में मैं यहाँ पे आऊंगा तो सोच रहा था, बट आज मॉनेस्ट्री बंद है, पता नहीं क्यों। तो मैं अब उतर रहा हूँ टॉय ट्रेन से। आपको फेयर पड़ेगा उसका 1000 का, पर पर्सन 1000 रुपीज़ लिया जाता है। यहाँ पे टाइमिंग के हिसाब से होता है, कुछ कुछ टाइमिंग में 1500 लिया जाता है, थोड़ा कन्फ्यूजन है उसमें। देखिए टूरिस्ट लोग किस तरह से बेचैन है टॉय ट्रेन में उड़ने के लिए, क्योंकि वहाँ से आपको पूरा दार्जिलिंग टाउन घूमने को मिलता है। और जो दार्जिलिंग की खूबसूरती है वो आपको स्टेशन से देखने को मिल जाएगा, इस स्टेशन से। गाइस, अब मैं जा रहा हूँ मार्केट, दोस्तों के लिए कुछ छोटा मोटा चीज़ ले लूँगा, क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं कि दार्जिलिंग से मेरे लिए कुछ लेके आना। तो मेरा फर्ज बनता है कि अपने दोस्तों के लिए नए जगह से कुछ नया लेके जाऊँ। मोस्ट प्रोबेबली मैं खाने की चीज़ें ही लेके जाऊँगा। और यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली? जो आपने टॉय ट्रेन देखा था वो कोल से चलता है, और यहाँ हो क्या रहा है भैया? ये ट्रेन कैसे चलता है? कोयला से ना, मतलब क्या एडवांस गर्म करके रखना पड़ता है क्या? हमेशा कोयला लगता है। वो हमेशा से कोयला रखना पड़ता है। बंद करने से 8 घंटे लगेगा चालू करने में। ओके, बंद करने से 8 घंटे लगते हैं इसे चालू करने में। हाँ, इसीलिए रात से ही यहाँ पे कोयला डाला जाता है। थैंक यू सो मच भैया जी दिखाने के लिए। ओके, यहाँ पे कोयला ऐसा होता है। भैया जी आपका नाम क्या है? राकेश कुमार सर। जाकिब? राकेश। राकेश, ओके। आप कितने साल से ये काम कर रहे हो? मेरा यहाँ पर 5 साल हो गया। कुछ 5 साल हो गया ना। ओके ओके, तो राकेश भैया बहुत मेहनत का काम कर रहे हैं, आसान नहीं होता रात को काम करना, तो राकेश भैया के लिए लॉट ऑफ रेस्पेक्ट। और पहली बार मैं देख रहा हूँ कोयले से चलने वाला ट्रेन। ओके, थैंक यू भैया। बहुत सुंदर है ना? और जो कोयला है वो आसाम से आता है, ऐसा भैया ने बताया है, राकेश भैया ने बताया है। और अब मैं दोस्तों के लिए कुछ खरीदूंगा इन भैया के दुकान से। एक का कितना है? सबका 20 है, जो भी लीजिए सब 20। तो यहाँ से फाड़ने से हो जाएगा? वन बाय वन। मैंने तो 2x2 एक्सेप्ट कर दिया। ये ना, और ये बनाना चिप्स एक और दो, दो फाड़ दे आपका फ़ायदा हो गया। गलती से दो फाड़ दे आपका फ़ायदा हो गया। नहीं, दोनों को लेऊंगा मैं। और क्या है? चिप्स होगा, भुजा होगा, चिप्स होगा।
इसका भी 20 ना। एक एक तो हो जाएगा ना, रख दीजिए ना इसको, इसको रख दीजिए, ये दो को ले लेगा। ठीक है, जैसे अभी तो ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होता है। बोलो क्या बोलना है? बनाना चाहिए। हाँ यहाँ पे हम दे रहे हैं भैया। ओ आपका से फट जाए क्या गलती से? ओ आई एम सॉरी, यहाँ पे था, आप उधर से ले लिए। ओह ओके, गलती से मैंने दूसरे वाले। कोई बात नहीं, मेरा यहाँ पे था, आप उधर से ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा हम उनको दे देंगे। तो क्योंकि मैं ये दोस्तों के लिए ये लेके जाऊंगा, बनाना चिप्स और मीठो टिटोरा में। उसके बाद ये क्या है? ये लपसी। लपसी, ओके ठीक है। तो ये मैं दोस्तों के लिए लेके जाऊंगा। मेरे भैया को पेड़े बहुत पसंद है तो मैं उनके लिए पेड़े लूंगा। उसके बाद मैं लूंगा ये, पता नहीं इसका क्या नाम है भैया, ऑरेंज कैंडी यू कैन से दैट। ये 15 रुपीस का और मेरे लिए 13 रुपीस का है ना। मेरे लिए कम किया, थैंक यू सो मच। ये वाला भी तो ठीक है। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो ख़त्म होता है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, जय हिंद। अभी से जितने भी वीडियोस बनेंगे सभी घर के अंदर बनेंगे, नेक्स्ट 21 डेज तक, जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं हो जाता। और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि क्वारंटाइन के समय में मैं अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज कर रहा हूँ। ये राशन का सामान अभी भी मैंने खरीदा है, तो 3 घंटे इसको धूप में सुखाया जाएगा, उसके बाद ही मैं इसको किचन के अंदर लाऊंगा।